अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इजाज अहमद है और मेरा ताल्लुक है एनएफ रियल एस्टेट अलियंस फातिमा रियल एस्टेट से है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें लीगेशन हवाले में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं करना चाहिए, और अगर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, फाइल्स में करना चाहिए या प्लॉट्स में करना चाहिए। काफ़ी लोग कन्फ्यूज हैं इस हवाले से, स्पेशली हमारे जो भाई हैं गटखड़ वाली साइड से या गुजरात वाली साइड से, मंडी बहावुद्दीन वाली साइड से या सियालकोट से। सबसे पहले उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा मैं उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है डीएचए के हवाले से, वो भी इस हम वीडियो में इसको दूर करेंगे। जो छोटी छोटी कन्फ्यूजन है वो भी कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम दूर करें। और दूसरा सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें डीएचए गुजरावाल में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं कहूँगा जी बिल्कुल डीएचए गुजरावाल में आप इन्वेस्ट करें और बिना झिझक इन्वेस्ट करें। उसकी कुछ बेसिक रीजंस भी मैं आपको दे देता हूँ। आपको पता है डीएचए पंजाब के अंदर अगर हम जाएं तो पंजाब में आपके पास डीएचए लाहौर है, डीएचए गुजरावाला है, डीएचए मुल्तान है और डीएचए बहावलपुर है। और डीएचए जो लाहौर है वो फिलहाल आप सबके नॉलेज में है कि पीक प्राइसेस चल रही हैं डीएचए लाहौर में। तो वहाँ पे तो अगर पीक प्राइस पे आप जाके कोई चीज बाई करेंगे तो उसको बेचेंगे किस प्राइस पे, सेल किस प्राइस पे करेंगे, बहुत रेस चांसेस होते हैं। कि अगर एक प्लॉट जो है जैसे फेज 7 की वहाँ की एग्जाम्पल ले ली जाए तो वहाँ पे इस टाइम पे प्लॉट है, पहले प्लॉट था जी 125 से लेके 150 की ब्रैकेट में, जबकि फिल वक्त वहाँ पे जो मार्केट में जो थोड़ा बूम आया था उसकी प्राइसेस वहाँ पे चली गई है 325-350। ये स्टैंडर्ड और अच्छे प्लॉट का वहाँ पे ये रेट है। अब 325 या 350 में अगर आप वहाँ पे बाई करेंगे प्लॉट तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे ज्यादा कुछ मजीद बेहतर होगा। अगर बेहतर हुआ भी तो उसमें 25-50 अगर आपका जंप लग भी जाता है प्राइस में, लेकिन उसमें रेयर चांसेस हैं मजीद इंक्रीज होने के, जबकि उसके प्राइसेस के डाउन आने के ज्यादा चांसेस हैं। 120-150 से अगर एक चीज 325 पे चली गई है और उस प्राइस पे पीक प्राइस पे जाके आप खरीदेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अकलमंदी है। हाँ, जिन लोगों ने घर बनाना है वहां पे या उसको ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वो चलना चाहते हैं उनके लिए फिर भी वो बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप वहाँ पे चलना चाहते हैं तो 3-4 साल के लिए, 1-2 साल भी नहीं मैं कहूँगा, 3-4 साल बोलूंगा, ताकि इस दौरान में अगर प्राइसेस डाउन भी आती हैं तो फिर बेहतरी आ सकती है 3-4 साल के अंदर। ये लाहौर की मैंने आपको बताई। उसके अलावा अगर आप मुल्तान में चले जाएं तो मुल्तान की बेस से लिए मुल्तान का ये है कि वहाँ पे प्लॉटिंग है जी तकरीबन कोई 46,500 के प्लॉट्स, तो 500 की पैकेट में इतने प्लॉट्स वहाँ पे हैं, इतने सेक्टर्स वहाँ पे उन्होंने डेवलप कर दिए हुए हैं, मतलब बैलेट कर दिए हुए हैं। अब वहाँ पे आपको पता है कि मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्राइजेस बेशक इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि कुछ सेक्टर्स को वहाँ पे पोजेशन मिला है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है डीएचए मुल्तान, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे भी कोई डाउट नहीं है, डीएचए लाहौर भी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि फिल वक्त इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें कहाँ करनी चाहिए। तो आप डीएचए लाहौर का मैंने आपको कंफर्म किया कि पीक प्राइसेस चल रही है, पीक प्राइस पे जाके आप खरीदेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसमें ज्यादा कुछ गेन कर पाएंगे। मुल्तान में चले जाते हैं तो मुल्तान में आपको पता है कि 46,000-46,500 की ब्रैकेट में प्लॉट्स हैं वहाँ पे जिनका बैलेट हुआ है। और अगर आप एक प्लॉट खरीदने जाते हैं तो आपके पास अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी प्लॉट्स की मिल जाती है, जिसमें से आप इजीली कोई भी प्लॉट जो है वो मार्केट से 2-4 लाख रुपया नीचे भी आपको मिल जाता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, अगर कोई नीडी है तो जाहिर है वो ज़्यादा मुनासिब भी दे जाएगा प्लॉट आपको। सेवन, ये मुल्तान है जी। और इसके बाद अगर हम बात कर लें पंजाब से बाहर आ जाए डीएचए क्वेटा में आ जाए तो डीएचए क्वेटा में भी आपके सामने है कि पहले प्राइसेस चली गई थी तकरीबन कोई 150, एलोकेशन की बात करें तो ये इसने 150-155 को भी टच किया है, लेकिन अभी वहाँ पे भी प्राइसेस जो है वो डाउन है। तकरीबन अभी आप अगर बाई करना चाहें तो आपको 95-97-98 की ब्रैकेट में आपको 1 फ्लैट एलोकेशन जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अभी इसके अलावा बहावलपुर में जाएं, डीएचए बहावलपुर में वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी काफ़ी है और वहाँ पे अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें मैं इस किसी प्रोजेक्ट को मैं बुरा नहीं कहूँगा, एक ज़ाती पसंद नापसंद की बात होती है। तो बहावलपुर में कुछ लाहौर का इन्वेस्टर और गुजरावाला या इस्लामाबाद का इन्वेस्टर बहुत कम जाता है। प्रोजेक्ट अच्छा है वहाँ के रिहायशियों के लिए,
वहाँ पे रोजगार लोगों को मिला है BHA के वहाँ पे जाने से, और ये खुशाइन की बात है। अच्छी 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 सोच है कि अगर वहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है। अभी गुजरावाला की तरफ आते हैं, तो गुजरावाला में आपको पता है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट है वहाँ पे गुजरावाला में, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना झिझक। उसकी रीज़न ये भी है कि कुछ लोग वहाँ के लोग अभी इस BHA को समझते भी नहीं है अपना खास, चंद एक लोग हैं, वैसे तो हर बंदा ही समझ रहा है, लेकिन चंद एक मेरे भाई हैं जो अभी इस मामले में क्लियर नहीं, उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे कि ये भी जैसे नॉर्मल एक सोसाइटी होती है ये वैसे है, जबकि ऐसा नहीं है, ये सोसाइटी नहीं है, अथॉरिटी है। और दूसरा आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि BHA में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% सिक्योर है। और सबसे पहले ये क्लियर करता जाऊँ कि अगर आप BHA गुजरावाला में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। BHA लाहौर हो, BHA मुल्तान हो, BHA पेशावर हो, BHA गुजरावाला हो या मुल्तान हो, BHA में जब भी आपने आना है तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग पावर लेके आना है, कम अज कम 1 से 2 साल की होल्डिंग पावर आपकी होनी चाहिए, देन आप उसमें अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इवन की 100% भी प्रॉफिट एक्चुअल प्राइस से, बाइंग प्राइस से आप 100% भी प्रॉफिट आप उसमें से निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं कि आज हम कोई प्लॉट खरीदते हैं और महीने 2 महीने 3 महीने बाद आपकी होल्डिंग पावर मैक्सिमम ये है, महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने इवन 5 मंथ्स, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप होल्डिंग पावर लेके आते हैं एक कम अज कम 1 से 2 साल की, तो ये गारंटेड प्रॉफिट है कि आप BHA गुजरावाला में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एक गारंटेड प्रॉफिट है। और दूसरा फाइल में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फाइल भी बेहतर है, ठीक है। आपको पता है कि 5 मल्ला की जो फाइल थी वो 45 को टच किया, ठीक है। अब 45 को टच किया तो इसको मैं एक स्टैंडर्ड रेट जो है उसका 43, 44, 42, 43, 44 इसी प्राइस पर ये स्टेबल रही है ज़्यादा अच्छा। और इसका मैं अगर स्टैंडर्ड इसका एक एवरेज प्राइस निकालूँ 5 मल्ला की, तो वो 42-43 की ब्रैकेट में ही बनती है, जो कि इस टाइम पे प्राइस डाउन है, तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए BHA गुजरावाला में। इस टाइम पे आपको वहाँ पे प्लॉट फाइल जो है 5 मल्ला एलोकेशन आपको मिलता है 37, 37-25, 37-50। आज की डेट में लोग आस्किंग करते हैं 37-25, 37-50, जबकि आपको 37-25 की ब्रैकेट में फाइल मिल जाती है। और 10 मल्ला की बात करें तो 10 मल्ला आपको पता है कि काफ़ी अर्सा स्टेबल रहा है, 61-62-63-64-5 तक भी गया है, लेकिन ज़्यादा जो रेट स्टेबल रहा है वो 62-62-50, 63-63-50, ये इसका मैं एवरेज प्राइस यहाँ के निकालता हूँ एलोकेशन की अपनी नाटा सर्किट के मुताबिक, बाकी हर बंदे का अपना माइंड है, ठीक है। मैं एक अपनी नाटा सर्कल के मुताबिक बात कर रहा हूँ। और अभी फिलवक्त अगर हम 10 मल्ला की फाइल खरीदने जाते हैं तो इस टाइम पे आपको मिलती है 56-56.25 से लेके 56-50 की ब्रैकेट है, और अगर आप बेचने जाते हैं तो इतने में बिक भी जाती है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यानी ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपने BHA गुजरावाला में फाइल ले ली है और बेचने के लिए आपको वहाँ पे 6 माह लग जाए, हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए। ये BHA में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये जस्ट लाइक गोल्ड है, आप डेली बेसिस पे इसके रेट सब डाउन होते हैं। आज आपने अगर फाइल खरीदी है, आप 2 घंटे बाद भी वो बेचना चाहते हैं तो वो फाइल बिक जाती है। इवन आज अपने नाम पे आपने ट्रांसफर करवाई, ट्रांसफर करवाते साथ ही अगर आप 1 घंटे बाद भी उस चीज़ को बेचने जाते हैं तो आपकी 44 जस्ट लाइक कैश पेमेंट है, जस्ट लाइक गोल्ड फोरी सेल हो जाएगी, उसमें कोई हजल नहीं है। मतलब कि अल्लाह ना करे अगर कोई आपको जरूरत पड़ जाती है तो फोरी बिक भी जाती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होल्डिंग पावर के साथ आए, ठीक है, ताकि आप उसमें से कुछ अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। एक किनाल की बात करें तो एक किनाल आपको पता है कि 95, 96, 98 इवन जो पीक इसने टच किया वो 107 को भी टच किया है ARY लोगों के आने से पहले, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि जो इसका एवरेज रेट निकाले तो वो 97, 98, 95, 97, 98 इसकी ब्रैकेट में मैं इसका अपनी नाटा सर्कल के मुताबिक स्टैंडर्ड एवरेज रेट इसका मेरी नाटा सर्कल के मुताबिक मुझे ये समझ आता है। जबकि फिल्वर तभी आप बाय करना चाहते हैं तो अभी फिल्वर जो प्राइस है वो थोड़ी डाउन है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि इस टाइम पे राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का BHA गुजरावाला में, चाहे वो फाइल हो चाहे वो प्लॉट हो। कनाल की फाइल इस टाइम आपको मिलेगी 89-90 लाख से लेकर 90 लाख, मैं आपको एलोकेशन का रेट दे रहा हूँ। और प्लॉट की अगर हम बात करें तो प्लॉट में आपको पता है यहाँ पे 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी है, ये आप सब भाई लोग जानते हैं। 5 मरला है सी ब्लॉक में,
के ब्लॉक में, बाकी सी ब्लॉक के सब सेक्टर्स हैं, C1, 2, 3 up to 5, और के में भी K1, 2, 3 up to K9। इसमें से बेहतरीन जो है फिल्मवर्क, जहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं साथ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन चले थोड़ा आपकी आपकी भी जिसको नहीं पता तो उसको भी थोड़ा सा नॉलेज में उसके इजाफा हो जाएगा। के ब्लॉक में डेवलपमेंट जो है अभी स्टार्ट हुई है, रिसेंटली स्टार्ट हुई है, उसको डिवेलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब मशीनरी जो है वो डेली बेसिस पे काम कर रही है वहाँ पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि 3-4 माह से ज़्यादा लगेगा कि ये सेक्टर को डिवेलप होने में। तो जब रोड्स वगैरह की डेवलपमेंट का काम कम्प्लीट हो जाता तो फिर आपको पता है कि फिर वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के उनके इंजीनियर के हवाले कर दिया जाता है, फिर वो उसमें डी पी पोल और ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं। इससे याद आया कि डीएचए लाहौर में अगर आप देखें तो ये काफ़ी चीज़ें काउंट होती हैं, लोग सोचते हैं कि ट्रांसफार्मर कहाँ आएगा, डी पी कहाँ आएगी, पोल कहाँ लगेगा, डी पी टू डी पी कितने प्लॉट्स होते हैं, पोल टू पोल कितने प्लॉट्स होते हैं, ट्रांसफार्मर कहाँ आता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लाहौर में विजिट कर चुके हैं, तो ये सब 12 साल से लाहौर में काम करते रहे। तो डी एच गुजरावाला के कुछ जो भाई हैं जिन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ, उनको इन चीज़ों का कुछ खास अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो भी हम थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसा ऐसा जो है वो हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। तो सी ब्लॉक जो के ब्लॉक ही हम डिस्कस कर रहे थे कि उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 3-4-5 माह के अंदर वो फुली डिवेलप हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जब वो डिवेलप हो जाएगा तो अभी फिलहाल जो के ब्लॉक में प्राइसेस हैं वो आप कह सकते हैं कि 38-39 मिनिमम की बात करें, कोई बाउंड्री पे आ जाता है ठीक है तो आपको प्लॉट 38-39 में भी मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड, और मैक्सिमम की बात करें कैटेगरी प्लॉट भी आ जाता है, कॉर्नर आ जाता है या फेसिंग पार्क आ जाता है या मेन बुलेवार्ड आ जाता है, या दोनों तीनों कैटेगरीज उसके अंदर आ जाती हैं, एडवांटेजेस दोनों तीनों आ जाते हैं, तो वो प्लाट आपको मिल जाता है तकरीबन 42-43 इवन 44 ब्रैकेट में ठीक है। और अगर सी ब्लॉक में चले जाएँ तो सी ब्लॉक इससे कदर बेहतर है, उसकी रीज़न ये है कि सी ब्लॉक में डेवलपमेंट आलमोस्ट कोई 70% मेरे हिसाब से कम्प्लीट हो चुकी भी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि ऑन ग्राउंड वहाँ की वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँ, जिससे आपको पता चल जाए कि वहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। वहाँ पर सीवरेज का काम आलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका हुआ है, जो कच्ची रोड्स हैं वो तकरीबन 90% कम्प्लीटेड हैं, बस उन्हें रोड्स को कारपेट करना है और बाकी फिर हैंड ओवर हो जाता है इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के वाले भी, उसमें टी पी पोल वगैरह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिर वो इलेक्ट्रिक का काम स्टार्ट हो जाता है। तो सी ब्लॉक अगर बेहतर है, सी ब्लॉक में मिनिमम की बात करें अगर कोई बाउंड्री या हेडेड लोकेशन का प्लॉट है वो आपको मिल जाता है 40 लाख का, एक ग्रिड स्टेशन भी है, ग्रिड स्टेशन के करीब हो जाए या बाउंड्री के करीब, तो 40 लाख तक आपको प्लॉट कॉस्ट ऑफ लैंड मिल जाता है। एवरेज प्राइस की बात करें तो एवरेज प्राइस है 42-42.50 से लेके 45 तक ठीक है। हर पर्सन जो है वो थोड़ी बहुत लोकेशन के हिसाब से काउंट होता है, डायरेक्ट मेन से किसी की डायरेक्ट अप्रोच है या कुछ पार्क के करीब आ जाता है, तो इस तरह से ये 42 से लेके 45 ये स्टैंडर्ड एवरेज लोकेशन के प्लॉट्स का रेट है। कोई कैटेगरी प्लॉट आ जाता है कॉर्नर फेसिंग पार्क या मेन बुलेवार्ड भी आ जाता है, तो अगर एक कैटेगरी या दो तीनों कैटेगरी भी अगर किसी प्लॉट के अंदर आ जाती है तो वो मैक्सिमम जो रेट निकलता है वो तकरीबन कोई 54 तक भी रेट जाता है, अगर कोई कॉर्नर मेन रोड फेसिंग पार्क आ जाए, अगर सिंगल किसी चीज़ के किसी कोई एक एडवांटेज है प्लॉट के अंदर देन आप उसको 46-47 कह सकते हैं अगर कोई कॉर्नर है, अगर कॉर्नर फेसिंग पार्क भी है देन आप उसके 50 भी आज नहीं कर सकते हैं। इस तरह से 5 मरला अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप सी ब्लॉक में करें, और ये आज की इन्वेस्टमेंट जो है ये कल का प्लस होता है। अगर आप इसको सी ब्लॉक में इन्वेस्ट करते हैं 5 मरला में 45 का अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आप कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस की फर्स्ट एक इंस्टॉलमेंट देंगे, सिविल की आर्मी की बात करें आर्मी अलॉटमेंट की तो उनकी तकरीबन कोई 192,000 इतना गया होगा, ये आपको ट्रांसफर करवा के तकरीबन पड़ जाता तो 46-47 लाख में, लेकिन मेरे हिसाब से 46-47 में डीएचए गुजरावाला में इन्वेस्ट करना चाहिए, इतनी हैवी अमाउंट नहीं है। आप देखें कि ये प्लॉट जब बैलेट हुआ था तब इनकी प्राइसेस थी कुछ 55, 56, 52 प्लस ही थी,
52 से नीचे कोई बात नहीं था करता इवन सेलर। अभी प्राइस क्योंकि डाउन डाउन है इस टाइम पे, तो इस टाइम का राइट टाइम है आपका इन्वेस्ट करने का। इसकी एक्चुअल प्राइस अगर आप इसके स्टैंडर्ड एवरेज, जैसे फाइंड्स का हमने एक स्टैंडर्ड रेट निकाला, एवरेज रेट निकाला, अभी तो डाउन है लेकिन एक एवरेज रेट हमने जो निकाला उस हिसाब से सी ब्लॉक के जो पांच मरले का एवरेज रेट निकलता है वो तकरीबन कोई 53, 54, 55 ये निकलता है। और जैसे ही थोड़ी बहुत मार्केट स्टेबल होगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है कि टैक्सेस वगैरह भी लगे हैं रियल एस्टेट सेक्टर पे, तो डी एच ए लाहौर जो है यहाँ पे आपको पता है कि डी सी रेट एफ बी आर रेट्स भी कुछ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, इस लिहाज से यहाँ पे जो ट्रांसफर के एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। क्योंकि डी एच ए गुजरांवाला जो है वो भी फर्स्ट फेज है, कुछ इतना मतलब कि उसमें वो नहीं है, तो डी सी रेट एफ बी आर रेट का भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे इतना टैक्सेस का इशू नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। और उससे जो बाकी डी एच एस में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ उनमें से भी काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो डी एच ए गुजरांवाला में मूव करेंगे। ये मेरी एक नाते शक्ल के मुताबिक मेरी अपनी राय है, हर बंदे की अपनी राय हो सकती है। तो सी ब्लॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सी ब्लॉक जो है वो बेहतरीन है 5 मरला के लिए, ठीक है। 10 मरले का प्लॉट अगर आप खरीदते हैं तो वो भी बेहतरीन है, एक के नाल लेते हैं, लेकिन आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए, होल्डिंग पावर होनी चाहिए और ताकि आप उसमें कुछ बेहतर पैसे का गेन कर सकें। अभी अगर आप कोई प्लॉट लेंगे उसको 2-4 माह में भी आप कुछ ना कुछ तो कमा ही लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपने एक जगह पे इतने पैसे लगाने ही हैं, जब आपने ट्रांसफर करवा लेना प्लॉट अपने नाम पे, तो फिर आप कुछ अर्सा उसको होल्ड करें ताकि आप उसमें से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मज़ीद। थैंक यू।